अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सभी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया। थैंक यू सो मच। और मैं गुजारिश करना चाहूँगी उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरी जो टिप्स हैं, मेरे जो नुस्खे हैं, उनसे फ़ायदा उठाएं। जो मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आई हूँ वो है दांतों के मुतलिक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल छोटे बड़े जो जवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, मर्द हैं और जो भी हैं, बच्चे हैं, उन सबको दांतों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उनके दांत जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके दांत जो हैं भुरना शुरू हो जाते हैं और वो रेज़ा रेज़ा होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिप, वो ये है कि आपके जो दांत भुरते हैं, मतलब आप कुछ भी खाएं तो आपके जो दांत हैं वो टूटते नहीं हैं, मतलब कि पूरे नहीं टूटते, दांतों के साथ वो भुरना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उतरना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आप ये यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा इससे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप जिस जिसके साथ ये प्रॉब्लम है वो इससे लाजमी फ़ायदा हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप्स ये है कि आपने फटकड़ी लेनी है, फटकड़ी को पीस लेना है, फटकड़ी को लेके पीसना है। पीसने के बाद डेढ़ चम्मच शहद में मिलाना है उसको। शहद में मिलाने के बाद अपने दांतों पर मलना है। मैक्सिमम 5 से 8 मिनट आपने अपने दांतों पर लगे रहने देना है, उसको मलते रहना है और अच्छे से मलना है। अंदर तक जो है आपने उसको लगाना है। लगाने के बाद आपने उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप कुल्ली कर लें पानी से और इंशाल्लाह आपके दांत नहीं भुरेंगे। जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके दांत भुरते हैं, इंशाल्लाह ये टिप यूज़ करने से, ये नुस्खा यूज़ करने से उनके दांत नहीं भुरेंगे बल्कि दांत और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से, इस टिप से ज़रूर अफाका होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।